हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, तो ये मैंने उड़द दाल लिया है। तो ये मैंने लगभग एक कटोरी उड़द दाल लिया, इसे मैंने रात को भिगा लिया था और इसके बाद इसको अच्छे से साफ़ करके पीस लिया है मैंने। ये तो मैंने इसे पहले ही रेडी कर लिया था। तो मैं आज उड़द दाल की कचौड़ी और साथ में आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं। तो देखिए मैंने इसमें क्या क्या मैं लूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने दाल पीस लिया है, तो इसके लिए मैं आपको मसाला दिखाती हूँ, मैं मसाले में क्या क्या डालूँगी मैं। तो दोस्तों, ये एक बड़ा चम्मच सौंफ है, इसे मैं डाल दूँगी। साथ ही एक चम्मच जीरा भी डाल देंगे इसी में। तो ये मैंने दो चम्मच धनिया डालूँगी, दो चम्मच धनिया डाल दिया मैंने। तो साथ ही इसमें मैं 6 से 7 मिर्च डालूंगी लाल। तो अगर आपको तीखा कम पसंद हो तो आप अपने अकॉर्डिंग मिर्च डालिएगा। 1 इंच ये दालचीनी है, ये बड़ी वाली इलायची है, 1 बड़ी वाली इलायची। चार छोटी इलायची, चार लौंग, साथ ही थोड़ी सी काली मिर्च, इसे भी इसमें डाल देंगे। तो दोस्तों, मैंने सभी तरह के मसाले ले लिए हैं। तब मैं इसे हल्के धीमे आंच में मैं इसे भूनूंगी, रोस्ट करूंगी इस मसाले को हल्की। तो चलिए इसको मसाले को भूनते हैं। तो दोस्तों, कढ़ाई हमारी गर्म हो गई, तो इसी मसाले को हम इसमें डाल देते हैं। ऐसे मसाले को हम हल्की खुशबू आने तक भून लेंगे। तो दोस्तों, मसाले हमारा हो गया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, मसाले को मैंने कटोरी में निकाल लिया है, तो मसाले को हम ठंडा होने देते हैं। तब तक हम कचौड़ी के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये मैं 2 कटोरी मैदा लूँगी। तो ये मैंने 1 कटोरी इसमें डाल लिया है, 1 कटोरी और लूँगी। तो दोस्तों, ये है 1 कटोरी मैदा और 2 कटोरी हमने मैदा लिया है। तो ये मैदा को हम अच्छे से छान लेंगे। 2 चुटकी हम इसमें सोडा डालेंगे। एक चौथाई चम्मच इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। अब इन सभी को हम छान लेंगे। अब थोड़ी सी मैंने अजवाइन लिया है, इसे मैं हाथों से ऐसे क्रश करके डाल लूँगी। ये थोड़ा सा कसूरी मेथी है, इसे भी डाल लूँगी हाथों से ऐसे क्रश करके। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा नमक डालूंगी मैं, बहुत ही कम नमक डालूंगी, ताकि ये आटे में भी हमने नमक डाला है और सब्जी में भी नमक डालेंगे और इसके कचौड़ी का जो मसाला है उसमें भी नमक डालेंगे, इसलिए हम बहुत ही कम मसाला आटे में डालेंगे। तो अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें 2 बड़ा चम्मच हम घी डाल देंगे। घी से हमारा आटे का कचौड़ी बहुत ही खस्ता बनेगा। तो आप चाहें इसकी जगह रिफाइंड भी डाल सकते हैं, तो घी से ज़्यादा खस्ता बनता है। तो इसमें मैंने 2 बड़ा चम्मच घी डाल दिया है। अब इन सभी को अच्छे से मसल के हाथों से मिला लेंगे।
इस तरह से हम रगड़ रगड़ के आटे का और घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कचौड़ी हमारी खस्ता बने। तो दोस्तों देख सकते हैं आटा हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। तो आपको मैं दिखा देती हूँ, देखिए आटे को मैंने हाथ में ऐसे दबा लिया तो देखिए कैसे लड्डू की तरह बन गया है। तो इसी तरह हमें आटे को चाहिए। तो चलिए अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे सान लेती हूँ, गूंद लेते हैं आटे को। तो मैंने गुनगुना पानी लिया है, तो गुनगुना पानी में थोड़ा थोड़ा करके डाल लूँगी और अच्छे से आटे को गूंध लेंगे। तो आटे को हमें सॉफ्ट रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं रखना आटा। तो देख सकते हैं दोस्तों आटा हमारा अच्छे से गूंध गया है। तो देखिए बिल्कुल सॉफ्ट आटा है, ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा सॉफ्ट, मीडियम है ये। तो इसे मैं अब 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ। आटा हमारा अच्छे से रेस्ट हो जाएगा तब मैं कचौड़ी बनाऊँगी। तो चलिए जब तक हम कचौड़ी का मसाला तैयार कर लेते हैं, इसे मैं ढक के रख देती हूँ। तो मसाला हमारा ठंडा हो गया, तो मैं इसे जार में डाल के पीस लूँगी मसाले को। मसाले को हल्का दरदरा पीसना है। तो देख सकते हैं दोस्तों मसाला हमारा हल्का दरदरा पीस लिया मैंने। तो चलिए इसे हम दाल में डाल देते हैं, साथ ही आधा चम्मच में हल्दी डाल दूंगी इसमें। हींग डाल दूंगी आधा चम्मच। साथ ही नमक डाल देंगे इसमें। नमक हमें थोड़ा तेज चाहिए इसमें, तो मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। तो अब इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे, दाल और मसाले को अच्छे से मिला लेंगे। तो दोस्तों मसाला और दाल मैंने पहले इसलिए मिलाया है ताकि ये अच्छे से मिक्स मिल जाए, मसाले में दाल वाल सब अच्छे से मिल जाए, नमक वमक सब। फिर मैं इसको तेल में डाल के इसे अच्छे से दाल को भूनूंगी। तो पहले ही मैंने मसाले में डाल इसे मिला लिया है। इस तरह से करने से बहुत ही आसानी से दाल भुन जाता है और कच्चा भी नहीं रहता हमारा दाल। तो इस तरह से आप लोग ट्राई करिएगा, इसी तरह से बनाइए, आसानी से बन जाएगा ये। तो दोस्तों कढ़ाई में मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है। तो तेल हमारे गर्म हो गया है, तब हम इस मसाले को, ये दाल वाले मसाले को हम इस तरह से फैला के डाल देंगे। इस तरह से हम फैला देंगे इसको ताकि एक साइड से हमारा अच्छे से पक जाए। तो एक साइड से हमारा दाल हो चुका है, इसे हम पलट लेते हैं। दूसरी साइड हम इसी तरह से पका लेते हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से पका है। तो दूसरी साइड से भी दाल हमारा पक गया है। इसे हम इस तरह से दाल को हम इस तरह से दबा दबा के चला लेंगे। ताकि जो अंदर कच्चापन हो दाल का वो अच्छे से पक जाए। इस तरह से हम दबा दबा के इसको पका लेंगे दाल को। तो ये
दाल का मसाला हमारा तैयार हो गया है कचौड़ी का, तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये रेडी हो गया हमारा कचौड़ी का मसाला। तो अब हम चलिए सब्जी बनाते हैं आलू की, आलू टमाटर की। तो इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो दोस्तों आलू की सब्जी के लिए देखिए मैंने तड़के के लिए एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, इसे मैंने काट लिया है। और ये 4 से 5 लहसुन की कली है, इसे मैंने कूट लिया है। और ये 2 हरी मिर्च हैं, इसे मैंने लंबे लंबे काट लिए हैं। और ये 4 मीडियम साइज का टमाटर है, इसे मैंने इस तरह से बड़े बड़े काटे हैं। इसे मैं मिक्सी जार में डाल के टमाटर का पेस्ट बनाऊंगी। आप चाहें तो इसे छोटे छोटे कट करके डाल सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, इसे मैंने पहले ही उबाल लिए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं, बनाती हूँ आलू की सब्जी। तो दोस्तों गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। तो इसमें मैं 2 बड़े चम्मच तेल डाल दूंगी। तो तेल गर्म हो गया है दोस्तों, तो इसमें मैं जीरा डाल दूंगी। इसके बाद ये मैं लहसुन जो है कूटा है इसे डाल दूंगी, लहसुन को भी, और साथ में ये हरी मिर्च भी डाल दूंगी साथ में। लहसुन और मिर्च का हल्का कलर आ जाएगा तब मैं इसमें प्याज डालूंगी। लहसुन और मिर्च हमारा हो गया है, तो इसमें मैं ये प्याज डाल दूंगी। तो प्याज को हमें हल्का गोल्डन कलर में करना है, भूनना है। तो दोस्तों प्याज का कलर हमारा चेंज हो गया है। तो ये मैंने घर का मसाला है, ये सभी तरह के खड़े मसाले गरम मसाले सभी हैं इसमें, लहसुन प्याज अदरक मिर्च और सब, इन सभी को मैंने पीस लिया है मसाले को। तो इसमें मैं डाल दूंगी 2 चम्मच मसाला है ये। तो मसाले को हम थोड़ी देर तक भूनेंगे। तो दोस्तों मसाला हमारा हो गया है, देख सकते हैं आप इसमें मसाले में से तेल छोड़ रहा है। तो इसमें हम टमाटर डाल दूंगी। तो ये मैंने टमाटर का पेस्ट बना दिया है, इसे मैं डाल देती हूँ। तो 1 चम्मच में हल्दी डाल दूंगी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये आलू डाल दूंगी मैं, आलू को मैंने फोड़ लिया है। अभी सभी सब्जी को अच्छे से मिला लेंगे, भून लेंगे सब्जियों को। तो थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, तो मैंने गर्म पानी डाला है ये, पानी डाल के अच्छे से मिला लेंगे इसे। तो इसमें अब मैं 1 गिलास पानी डाल दूंगी। सब्जी को आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, पतला या गाढ़ा आप अपने
हिसाब से बना लिए जी। तो मैंने ये कचौड़ी के साथ, ये पतली सब्जी टेस्टी लगती है, तो मैं आलू की सब्जी पतली बनाऊंगी। साथ ही ये जो हमारे कटोरी में मसाले लगे थे, ये भी इसमें थोड़ा सा पानी डाल के डाल लेंगे। तो साथ ही इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी और सब्जी को हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि सब्जी हमारी अच्छे से पक जाए। तो चलिए जब तक हम कचौड़ी बनाते हैं, जब तक हमारी सब्जी पकती है। तो दोस्तों 20 मिनट हमारे हो गया है, आटा हमारा अच्छे से रेस्ट हो गया है, देखिए। तो इसे हम एक बार और इसको दबा दबा के अच्छे से गूंद लेते हैं आटे को। अब इस तरह हम आटे को लेंगे थोड़ा, तो इस तरह हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे आटे को कचौड़ी के लिए। इस तरह से दबा दबा के हम इसी तरह हम सभी को बना लेते हैं। इस तरह से तो दोस्तों सभी को पेड़े बना लिए मैंने। तो इस तरह से आटे को हम बीच में से ऐसे फैला लेंगे। इस तरह से, और जो हमने कचौड़ी के लिए मसाला बनाया था दाल का, वो इसमें इस तरह से हम डाल लेंगे। इस तरह से, तो ये मैंने आधा चम्मच मसाला लिया है और इस तरह से इसे हम दबा दबा के ऊपर का जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम निकाल लेंगे और ऐसे दबा के फैला लेंगे आटे को। हम बेलन से नहीं करेंगे, मैं हाथों से ही करूँगी आटे को, कचौड़ी हाथ से ही बनाऊंगी। इस तरह से मैं दबा दबा के बना लूंगी सभी को। तो देखिए कचौड़ी हमारी बन चुकी है, ये देखिए। तो इसी तरह मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों तेल हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें मैं कचौड़ी डाल देती हूँ। तो कचौड़ी को हम धीमे आंच पे पकाएंगे, धीमे आंच पे इसलिए पकाएंगे कचौड़ी हमारी अच्छे से खस्ता बन जाए और अंदर तक पक जाए। तो इसे हम पलट लेते हैं कचौड़ियों को। तो देख सकते हैं दोस्तों कचौड़ी हमारी कितनी अच्छे से फूल रही है। तो दोस्तों कचौड़ी हमारी हो गई है, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। देखिए कितना अच्छा कलर आया है कचौड़ी का, एकदम बिल्कुल खस्ता कचौड़ी है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो मैं और डाल देती हूँ इसमें तेल में। तो दोस्तों सब्जी हमारी हो गई है, तो इस गैस को मैं बंद कर देती हूँ। तो इसमें मैं सब्जी में धनिया डाल दूंगी। देख सकते हैं सब्जी का कलर कितना अच्छा आ रहा है ये। तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने कचौड़ियाँ बना ली है, तो मैंने सर्व करके दिखा मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कितने खस्ता कचौड़ी बनी है ये। देख सकते हैं आपको आवाज़ आ रही होगी इसकी, ये मैं आपको फोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए
आप इसके अंदर की फीलिंग देखिए, देखिए कितना अच्छा आया ये, एकदम अंदर तक खस्ता कचौड़ी बनी है ये। तो आप लोग इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। तो देखिए ये सब्जी बनाया है मैंने, सब्जी के साथ ये कचौड़ी खाते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।